हेलो फ्रेंड्स, मैं स्नेहा किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मेरी व्यूअर अनुम खान की रिक्वेस्ट पर आपको इंस्टेंट रबड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत जल्दी बनेगी और बहुत टेस्टी बनेगी। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकॉन क्लिक करना भी ना भूले, आपको अपडेट मिलती रहे। रबड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए 3 कप, मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है, इस तरह का मैंने मेजरिंग कप लिया है, आप चाहें तो कोई भी कटोरी का माप ले सकते हैं। 100 ग्राम मिल्क पाउडर लिया है मैंने, ये 1 कप है। थोड़े से गुनगुने दूध में मैंने 10-15 केसर के धागे भिगा दिए हैं। मैंने 15 बादाम को क्रश किया है, ज़्यादा इसको मैंने पाउडर नहीं किया है, थोड़ा खड़ा ही रखा है। 3 बड़े चम्मच चीनी के मैंने लिए हैं, 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, 1 बड़ा चम्मच घी। चलिए अब हम बनाएंगे रबड़ी। सबसे पहले आप गैस ऑन कर दीजिए, पैन रख दीजिए। अब इसमें हम दूध डालेंगे, फुल क्रीम दूध लीजिए, इसकी रबड़ी बहुत ही बढ़िया बनती है। फ्लेम को फुल रखिए, एक बॉईल आने दीजिए। अब आप देखिए दूध को बबल्स आना शुरू हो गया है। अब इस स्टेज पर आप इसमें मिल्क पाउडर डाल दीजिए, आप चाहें तो दूध में पहले भी डाल सकते हैं मिल्क पाउडर या बाद में भी। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए, एक बात का ध्यान रखिए लम्स ना पड़े। अब आप देखिए दूध बॉईल होने लग गया है, इस स्टेज पर आप फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और आप इस तरह हिलाते रहिए बीच बीच में, ताकि दूध तले में ना लगे। आप एक बात का ध्यान रखिए, आप इसे साइड से खरोचिएगा नहीं, इसे इसी तरह जमने दीजिए, लास्ट में हम इसे खरोचेंगे, मलाई के लच्छे निकलेंगे, उससे आपकी रबड़ी इतनी स्वादिष्ट बनेगी, लच्छेदार रबड़ी। इसे इसी तरह रहने दीजिए और दूध के ऊपर मलाई आती जाएगी, वो आप इस तरह से साइड से इसे लगाते जाइए और एंड में हम इसे खरोचेंगे और बीच बीच में आप इसे हिलाते रहिए, ताकि तले पे दूध ना लगे, और इस तरह से मलाई आती जाए और आप साइड में इसे लगाते जाइए। ये देखिए कितनी गाढ़ी हो चुकी है, मैंने फ्लेम मीडियम रखी है, इससे जल्दी बन जाएगी। अगर आप मीडियम फ्लेम रखते तो आपको लगातार इसे हिलाते रहना पड़ेगा, ताकि ये तले पे ना लगे, और अगर आप लो फ्लेम पर रखते हैं तो बीच बीच में इसे हिलाते रहिएगा और इस तरह से मलाई को साइड में लगाते जाइए। और ये मैंने इंस्टेंट आपको बताई है, और अगर आपको 5 मिनट में बनानी है तो इसमें आप 2 ब्रेड के पीसेस को पीस कर इसमें डाल दीजिए, तो ये 5 मिनट के अंदर आपकी मलाई रबड़ी बन जाएगी। पर मुझे वो नहीं पसंद, इसलिए मैंने ये वाली आपको बताई है, इंस्टेंट और 2 चीज़ों में बन जाती है जल्दी से। इससे पहले मैंने रस मलाई में भी रबड़ी बताई है, वो भी बहुत स्वाद बनी थी, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और सजेशन में भी दे दूँगी। इसमें 5-10 मिनट ज़्यादा लगेंगे, लेकिन आपकी रबड़ी लाजवाब बनेगी। और अगर हम लोग दूध की बनाते हैं सिर्फ, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, इसलिए ये इंस्टेंट है और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप बता नहीं सकते कि ये आपने मिल्क पाउडर से बनाई है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आप देख सकते हैं ये गाढ़ी हो चुकी है, अब इसमें मैं चीनी डालूँगी। आप मीठा अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मैंने फ्लेम मीडियम ही रखी है। अब इसमें मैं इलायची पाउडर, इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, मुझे बहुत पसंद है इलायची पाउडर, मैं हर मिठाई में इसे डालती हूँ। अब इसमें मैं केसर जो भिगा के रखा था दूध में, उसे डाल देती हूँ, इससे फ्लेवर केसर का और कलर बहुत ही बढ़िया आता है। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते तो ना डालें, पर डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया रंग आएगा इसका। और केसर ना हो तो आप फूड कलर भी डाल सकते हैं। अब इसमें क्रश किए हुए बादाम डाल दीजिए, आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, पिस्ता, काजू, बादाम, जो आपको पसंद हो। इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब त्यौहार आ रहे हैं, आप रबड़ी ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए, ये बच्चे बड़े सबको पसंद आएगी। आप देखिए दिखने में कितनी अच्छी दिख रही है। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच घी का डाल दीजिए, इससे भी बड़ा ही स्वाद इसका बढ़ जाएगा। मैंने फ्लेम को लो कर दिया है, आप देख सकते हैं अभी ये काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है, थिक हो चुकी है। अब स्टेज पर आप साइड से पूरी मलाई खरोच दीजिए,
मैं आपको बता नहीं सकती आपकी रबड़ी का जो टेस्ट आएगा इस मलाई से, लच्छेदार रबड़ी बनेगी आपकी। जब आप इससे एक बाइट मुंह में डालेंगे तो आपको मलाई के लच्छे मुंह में आएंगे और क्या स्वादिष्ट लगेगी, सेम आपको हलवाई जैसी ही लगेगी। इसे देखकर मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा है, मैं तो रह नहीं पा रही, बनाने के बाद मैं डायरेक्ट खाने वाली हूँ, शायद आपके भी आ रहा होगा, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इस स्टेज पर आप फ्लेम को बंद कर दीजिए, आप देख सकते हैं काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है, ठंडी होने के बाद तो और भी गाढ़ी होगी। इसे आप फ्रिज में रख के खाइए चिल करके, वाओ जो इसका टेस्ट रहेगा मैं बता नहीं सकती हूँ। लीजिए अनुम जी, आपकी रिक्वेस्ट पर मैंने रबड़ी बना दी है, ये बहुत ही लाजवाब बनी है। इस पर आप बादाम पिस्ते से गार्निश कीजिए और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइएगा कैसी बनी है, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं रह नहीं पा रही हूँ, इसे मैं थोड़ा सा खा के देखती हूँ। वाओ यम्मी, इतनी डिलीशियस बनी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।